Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So today's video is very special क्योंकि आज मैं वो चीज़ करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं करी है. I'll be coloring my own hair, वो भी अपने आप खुद से घर पे. So you guys know my age, I am 32 years old. And जब आपकी एज 30 के ऊपर हो जाती है तो थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और मेरे भी होने स्टार्ट हो चुके हैं, बट वो इतने ज्यादा नहीं है तो ऐसे पता नहीं चलते हैं, बट अगर अंदर से आप देखेंगे तो मेरे थोड़े से हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको घर पे ही कवर अप करने की कोशिश करता हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट मी टेल यू, आई एम सुपर नर्वस बट आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो. कि जब कभी भी मैं अपने डैड को देखता था बाल कलर करते हुए, सो आई फील वेरी एक्साइटेड. मैं उनसे हमेशा बोलता था कि प्लीज मैं लगाता हूँ हेयर कलर, एंड नाउ इट्स माई टर्न टू कलर माई ओन हेयर. डैड ने मुझे एक बार बताई थी कि अगर तुमने एक बार कलर करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे बाल और ज्यादा सफेद हो जाएंगे, क्योंकि हेयर कलर्स में बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो कि तुम्हारे बालों को और ज्यादा डैमेज कर सकता है. तुम्हें बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी टू गेट द परफेक्ट हेयर कलर. सो आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल गोदरेज हेयर एक्सपर्ट विच हैज 10x एलोवेरा एंड नो अमोनिया. और मैंने यहाँ पे चूज किया है कलर नेचुरल ब्राउन. मेरे एक्चुअली बालों का जो कलर है वो ब्राउन और ब्लैक के बीच का है, बट आई थॉट अगर मैं कलर कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं ब्राउन टच दे दूँ, तो इसीलिए मैंने ब्राउन कलर चूज किया है. तो हेयर कलर करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है. सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है हैंड ग्लव्स, एक ब्रश और एक कोम, ग्लास बोल या सेरेमिक बोल और एक वुडन स्पून मिक्स करने के लिए. आपको मेटल या फिर स्टील अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कई बार कलर्स मेटल के साथ मिक्स होकर कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट वी डोंट वांट. एंड पेट्रोलियम जेली को मैं अपने माथे पे और बालों के एजेस पे लगा रहा हूँ जिससे कि जो हेयर कलर है वो मेरे फोरहेड पे स्कैल्प में ना चढ़ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम खोलते हैं इस पैकेट को. तो जैसे ही आप गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम को खोलते हैं, इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं. फर्स्ट वन इज डेवलपर एंड सेकंड वन इज क्रीम. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेवलपर को कट कर रहा हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड क्रीम. दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड इट्स रेडी टू यूज. बहुत सारे हेयर कलर्स होते हैं जिनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जो कि आपकी आंखों में लगती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे भी कुछ भी ऐसा वियर्ड फील नहीं हो रहा है आंखों में, बट मुझे एक बहुत ही सूदिंग सी स्मेल लग रही है. अब हम इसको इमीडिएटली अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं. मैं इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां पे मेरी ग्रे हेयर्स है मैं वहीं वहीं अप्लाई कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग दिस ब्रश टू अप्लाई. सेक्शनिंग करने के लिए मैं कोम का यूज कर रहा हूँ. तो गाइस अब मेरे बालों में हेयर कलर अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है. अब मैं इसको 30 मिनट के लिए रखूंगा, उसके बाद आई विल वॉश इट ऑफ. मैं आपको मिलता हूं अब हेयर वॉश करने के बाद. तो गाइस मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ग्रे हेयर का क्या हाल है और कैसा कलर आया है. मेरे सारे ग्रे हेयर जा चुके हैं एंड मेरे बालों में एक बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है, विच आई एम रियली लविंग इट. एंड मेरे बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो चुके हैं. हेयर कलर लगाने से पहले मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था. मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे बाल डैमेज ना हो जाएं या फिर क्या हाल होगा, कहीं ज्यादा रफ तो नहीं हो जाएंगे. बट आफ्टर यूजिंग गोदरेज एक्सट्रीम रिच क्रीम मेरे बाल काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ 30 रुपए का है, विच इज सुपर बजट फ्रेंडली. अगर आपके ग्रे हेयर नहीं भी हैं एंड इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कलर ऑन योर हेयर, जैसे कि लाइट ब्राउन, बर्गंडी, ब्लैक, एंड वो भी जिसके अंदर 10x एलोवेरा है और अमोनिया फ्री है, सो उससे बेटर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है. तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक माई हेयर कलर प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, डू सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, हियर इज माई हैंडल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.